अपने बारे में भी निगेटिव बात करेगा, दूसरों के बारे में भी निगेटिव बात करेगा। देखो भाई की गिरा दी। तो इस तरह से जब जाएंगे वहाँ पर तो सब बताएंगे कि आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको रिज्यूमे बना। यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी रेडी होकर के हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, और आज हम लोग अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में। बाकी मेरा एक दोस्त है, निगेटिव दोस्त, ये इससे कभी अच्छी बात हो नहीं सकती है, ये हमेशा निगेटिव बात ही करता रहता है। अपने बारे में भी निगेटिव बात करेगा, दूसरों के बारे में भी निगेटिव बात करेगा। बोला है कि 10 बजे आने के लिए जा रहा है। भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो भाई तुम? भाई मैं गाली से ही बात करता हूं। वही मैं तुम्हें बोला, नेगेटिव पर से कभी अच्छी बात नहीं करता। मैं इंटरव्यूअर से भी गाली में बात करता हूं, या तो बात ही नहीं करता। तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो? तो इस तरह मेरा दोस्त है, 10:50 में पहुंचे, इसके साथ जब मैं रहता हूं तो नेगेटिव वाइब आती है। घंटा लेट पहुंचे रहा, उससे क्या बात करोगे, क्या वीडियो देखोगे? पहुंच गए तो इसका खुद भविष्य समझा। वो तरीका लगा, इसका अभी तबीयत खराब है, मैं मारना नहीं चाहता, अभी तो थप्पड़ जड़ दिया होता इसको। अगर दिवाली कब है? 12 को। 12 तो वहाँ पर लगी है ऑटो सामने, चलते हैं पूछते हैं पहुँचाएगा कि नहीं हमें NIT। कैसे? तो चलते हैं क्लास। इधर देखो भाई की गिरा दी। लोग कॉलेज जाने लेट है। तो अभी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए जिसमें बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे टीचर को कम्युनिकेट करते हैं, अगर उसमें आपको कुछ भी गलती उल्टी होती है तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या सुधार करना है। जैसे आपका रेज्यूमे आपने सब गलत करा है तो रेज्यूमे में भी आपका कुछ मतलब बताया जाएगा कि आपको रेज्यूमे में क्या क्या चेंज करना है। तो अभी यही सब चल रहा है, बच्चे एक एक करके जा रहे हैं टीचर के पास और कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सनल टीचर वहाँ पर, उसी का भी वेट कर रहे हैं, फिर उसके बारे में भी जाऊँगा। तो अभी आकाश इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग लेकर के आया और यहाँ पर उस मैम जो थे सर के पास गया था बेसिकली, तो वहाँ पर इंटरव्यू का जो बात हुआ है तो उसमें मतलब वो सब बातें तो बताई होंगी, कैसे कैसे बात करना है, किस तरह से रहना है। बाकी यहाँ पर आपका रिज्यूमे में ये जो कट पिट दिख रहा है तो ये सब चेंजेस करना है कि आपको रिज्यूमे किस तरह से बनाना है, आपको यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं अपना इसका नंबर छुपा रखा हूँ ताकि कोई कॉन्टेक्ट ना करे, और यहाँ पर वो 10th 12th का वो परसेंटेज नहीं डाला था, ग्रेड नहीं डाला था। तो ये सब चीज़ें बताई जाएगी कि आपको रिज्यूमे में क्या क्या सुधार करना है और यहाँ हॉबीज़ में। तो इस तरह से जब जाएंगे वहाँ पर तो सब बताएंगे कि आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको रिज्यूमे बनाना है, क्या क्या रिज्यूमे में डालना है, क्या नहीं डालना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाया जाएगा। ओके, तो अभी बच्चे धीरे धीरे करके जा रहे हैं सभी टीचर्स के पास, पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अभी जो इंटरव्यू का ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो गया और बहुत कुछ पूछे हैं, बस इसमें एक ही है कि जो रिज्यूमे मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। अभी मैं भी ऊपर फॉर्मेट दिख रही है यार, कैसे बना रहा हूँ? वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करता है लोगों के और लैब्स में, तो सबसे अपना काम इतने बड़ा हो जाता है। मतलब सोचो तो ये चीज़ें भी हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पे सिर्फ ऐसे इस तरह मत हो जाओ, है ना, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि जिनमें आप पैसे बना सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारा जीडी भाई, तुम भी
फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। यस मैम। यस मैम। अमित कृष्णन है। तो फाइनली अभी सारा क्लास हो गया ऊपर, अभी चल रहा हूँ मैं नीचे ग्राउंड में, वहाँ चल करके बात करते हैं। ऐसे निकलेंगे भाई बीच में, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। अरे चलो हेलो चलना है। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया रूम पर। और कल क्या हुआ, कल हम लोगों का था इंटरव्यू ट्रेनिंग, तो उसमें मतलब एक मैम थी, तो वो मुझसे मतलब पूछी कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो इंग्लिश में, तो यही सब चीज़ें सिखाया जा रहा था। और मेरा जो रिज्यूमे बनाया था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी मिस्टेक, तो उसको भी सुधार करना था, तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों को बताया गया था इंटरव्यू में। और आज था हमारा ग्रुप डिस्कशन, तो आज ग्रुप डिस्कशन था तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए आज हुआ नहीं हुआ, तो कल वही होगा, पोस्टपोन हो गया। तो मतलब कुछ बच्चों का हो चुका है ग्रुप डिस्कशन और अभी हम लोगों का बाकी है, तो कल ग्रुप डिस्कशन होगा। और अभी क्लास करके आ रहे हैं प्रैक्टिस क्लास, तो अभी फाइटोमेडिसिन का प्रैक्टिस क्लास करके आए, तो हालत ख़राब हो गई, थक गए, तो चलते अभी खाना ना खाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बी फार्म वालों का क्लास 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। बैठो भाई, बैठो भाई, बैठो। लाइटर होगी भाई, लाइटर लेके आया। अरे तू हट जा भाई, तेरी बारी भी आएगी, पहले सबको चलो ब्लो द कैंडल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे पेट भरना चाहिए भाई, बर्थडे तो आता रहेगा, बर्थडे तो आता रहेगा, पेट भरना चाहिए। बढ़िया केक है, बहुत ही बड़े दिन एक्सपोज कर देगा सबको, अभी धीरे धीरे चाटता सही।